मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठे, आज पेश करने वाले हैं अचारी भिंडी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आधा किलो भिंडी ले लिया। भिंडी को चुटकी में कट कर लेंगे। एक ठो पैन में हम डाल देंगे खरबूज के दाने और डाल देंगे यहाँ पे सूखा मिर्च, चार पांच सूखा मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, जीरा और डाल देंगे यहाँ पे मेथी। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे दोस्तों, इसको भून के हम पीस लेंगे। तो चलिए थोड़ा लो फ्लेम में भून लेते हैं। तो भुना हो चुका है, इसको अब पीस लेंगे। तो देखिए पीसा हो गया है। तो एक थोड़ा सा एक कटोरी में डाल देंगे नमक, डाल देंगे चीनी, अभी डाल देंगे यहाँ पे चाट मसाला, अभी डाल देंगे सरसों का गुड़ा और डाल देंगे हल्दी पाउडर और अभी डाल देंगे मिर्ची पाउडर। तो इसको एक संग अच्छी तरह मिला लेंगे दोस्तों। ये मेन इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया। अभी कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल, इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे दोस्तों। सरसों का तेल को गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम भिंडी। तो आज का भिंडी बहुत बहुत बढ़िया होगा, तो देखते रहिए। तो भिंडी को लो फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई करते करते डाल देंगे यहाँ पे नमक, तो अभी डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो इसको एक साथ अच्छी तरह मिला के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे दोस्तों, और धीमी आंच पे ही फ्राई कीजिए। और डाल देंगे अभी जो कूटा हुआ मसाला मेरा था, रोस्ट किया मसाला, उसको हम डाल देंगे ताकि इसके संग एकदम अच्छी तरह मिल जाए। तो इसको एक संग अच्छी तरह इसको फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए थोड़ा फ्राई हो चुका है। अभी डाल देंगे तो हल्दी पाउडर जो हम लोग बनाया था, हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर देके उसको अब डाल देंगे। तो भिंडी थोड़ा हो गया है, तो देखिए तो रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी थोड़ा सा जो मैंने बेसन लिया था, बेसन को हम भून के रखा था, बेसन को इसके संग हम मिला दिए। तो रेडी हो चुका है दोस्तों आज का अचारी भिंडी। तो दोस्तों ये एकदम पराठा रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक। फिर मिलते हैं दोस्तों।